और इस बीच सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां 24 घंटे के अंदर ये तीसरी मुठभेड़ हुई है सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच। बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से भी मुठभेड़, ननौता शुगर मिल की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। सिपाही और बदमाश जख्मी हुए हैं और एक बदमाश फरार। मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो बदमाश पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज भी एक मुठभेड़। 24 घंटे के अंदर ये तीसरी मुठभेड़ आपको बता रहे हैं। एक बदमाश फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ननौता शुगर मिल पर चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई, सिपाही और बदमाश जख्मी हुए। अमित विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, 24 घंटे में तीसरी मुठभेड़ हुई है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। सहारनपुर पुलिस पूरे अपने जोश में आ चुकी है और 24 घंटे में तीसरी मुठभेड़ अपराधियों के खिलाफ की गई है, जिसमें थाना ननौता के शुगर मिल पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो अचानक ही ये दो बदमाश आते हैं और पुलिस को देखकर वापस भागने लगते हैं, जिस पर पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर झोंक दिया। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा भागने में फरार हो गया है। ये तीसरी मुठभेड़ है 24 घंटे के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक बदमाश फरार है जिसकी पुलिस बेसब्री से तलाश कर रही है।